हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज आपका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मायके से। मायके से हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैं आपको शेयर कराती हूँ अपनी खेती बाड़ी मायके की। मेरी भाभी कपड़े धो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है चेरी टमाटर। इतने सारे टमाटर हो रहे हैं ना घर के कि क्या बताऊँ। ये इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। ये लगते बहुत सारे लगते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, इतने सारे मैंने मॉर्निंग में तोड़े हैं। ये तोरी की बेल है, देखो पूरे टमाटर हैं, पुदीना है। ये तोरी की बेल है, तोरी की बेल अच्छी हो रही है, नज़र ना लगे। थू 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 थू, मेरी तोरी भी लग रही है। और ये नींबू का पेड़ है, नींबू लग रखे हैं। ये देखिए, ये जो उत्तराखंड के लोग हैं ना वो जानते होंगे, ये है कंकोड़े की मीठा करेला बोलते हैं जिसे। तो पहाड़ का है ये, पर यहाँ पे बहुत ही है प्लेन्स में। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। बेल तो हो गई है। ये खेत में पता नहीं क्या क्या हो रखा है, भिंडी, एलोवेरा, हरा घास ये लगा रखे डंडे बेलों के लिए। देखिए पूरे चेरी टमाटर लग रहे हैं। ये हमारे गांव की खेत की लोकेशन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आम का पेड़। ये ज़्यादा बड़ा आम का पेड़ नहीं है, एक बड़ा आम का पेड़ था वो काट दिया है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। कितने साल का होगा भाभी पेड़ है? ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, 2 साल का? मेरी भाभी को भी नहीं पता, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर ये अभी लगा रखा था। ये इसमें लग रखे हैं आम। और देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे लगा है कंडाली बिच्छू घास, जो उत्तराखंड का फेमस होता है। जो लग जाता है शरीर पे तो नानी दादी याद आ जाती है। तो यहाँ भी लगा है क्योंकि मेरे पापा को बड़ा पसंद है। तो होगा कि नहीं होगा यहाँ पे बड़ा, पता नहीं है? कंडाली पीछे है ये बड़ा पेड़ भी। बड़ा पेड़ भी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बो रखी है तोरी। ठीक है दोस्तों, ये अमरूद का पेड़ है, ये हमारा बार बाथरूम है। ठीक है, पीछे बताया था मेरे भाभी ने, पीछे है ये अंदर पानी आता है ना अंदर से। ये देखिए कितना बड़ा बिच्छू घास कंडाली। यहाँ पत्थर, ये है हमारा मकान मिल्की मायके का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ रखा हुआ है गाय माता के लिए भूसा। ये देखिए, ये पहले हमारा किचन होया करता था, ऐसा कच्चा है ये। ये देखिए, और मुझे तो अब आदत टूट गई है ना, ऐसी वो लग रही पिपराण लग रही है इस भूसे से। बंद कर दो फटाफट। अब मैं आ रही हूँ, जरा थोड़ा टमाटर लेके आती हूँ अपने दोस्तों के लिए। ये हमारा चौक है, ठीक है? यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी पूरे रास्ते में भी चेरी टमाटर अपने आप ही हो जाता है। ये पूरे टमाटर लगे हुए, सुबह मैंने बहुत सारे टमाटर तोड़ दिए 2 केजी से ऊपर। नहीं तो इसे पूरा लदगद हो रखा था टमाटरों से। ये गाय के लिए घास है। ये हमारी गौ माता, ये अभी ना बाछी थी, अभी न्यू भी आई है, फर्स्ट बार भी आई है। तो ऐसे मारने के लिए कर रही, उसको डर लग रहा कि कोई मेरे बच्चे के पास ना आए। ये उसका बच्चा, क्योंकि जो फर्स्ट बार होता है ना तो माँ को डर होता ही है, होता है ना। देखो डर रही हो कि मेरे पास ना आए मेरे बच्चे के पास। जय हो गई है मैया। दोस्तों अब मैं बना रही रोटी, मेरी भाभी धो रही है कपड़े, तो मैंने सोचा मैं रोटी बना लेती हूँ। सब्जी मैंने बना दी है, लौकी बनाई है, लौकी इसमें चढ़ाई है, पर सब्जी जल्दी बन जाएगी। अब मैं रोटी बनाती हूँ। रोटी रोटी रोटी
इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।